हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऐसे लाएगा प्रेशा को धोखे से, चोरी से? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरमान, क्या करेगा तू? क्या कर रहा है? नहीं प्रेशा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। पूरी रात में भटकता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें पागलों की तरह, इसकी वजह से, क्योंकि ये जबरदस्ती लाया तुम्हें, तुम्हें छीनना चाहता है मुझसे। तूने छीना प्रेशा को? हाथ लगा के दिखा, तू रुके, लगा के दिखा, तू रुके। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ जिसके पीछे तुम लड़ रहे हो। मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे पूछो मुझे क्या चाहिए। आई नो तुम्हें क्या चाहिए और हजार बार बता भी चुकी हूँ उसे, लेकिन ये बेगैरत इंसान मानने को रेडी नहीं है। अरमान, नहीं प्रेशा, अब और नहीं। मेरा मूड बहुत खराब है और जब तक ये इंसान मेरे सामने रहेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम चलो यहाँ से। आज छोड़ प्रेशा का, आज छोड़। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेशा को मुझसे अलग कर सके, खासकर आज के दिन, समझा? मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। देख रहा तुझे, सॉरी बहुत मुश्किल से बोलती हूँ, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, प्लीज उठ दो, एक बार सॉरी सुन लो, प्लीज प्लीज उठ दो, कुछ नहीं होगा। अरमान, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी चलो, मेरे रुद्र को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा रुद्र, कुछ नहीं होगा तुम्हें रुद्र, कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना। अरमान जल्दी चलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यही हूँ, जल्दी जल्दी चलिए। सॉरी मैम, अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जा सकती हूँ, प्लीज हटिए आप। प्लीज मैम, आप डॉक्टर हैं पर उनकी फैमिली भी है, आप प्लीज यही वेट करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, मेरे रुद्र को कुछ नहीं, मुझे उन्हें जाने दो, रुद्र के लिए, रुद्र को बचाना प्लीज। प्रिशा नहीं, दूर रहो मुझसे, यही चाहते थे ना तुम, मेरे रुद्र को मारना चाहते थे ना, इसीलिए उसे धक्का दिया। तुम्हारी वजह से मेरा रुद्र आज यहाँ है। शब्द की एक बात याद रखना, अगर मेरे रुद्र को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, इसलिए दुआ करो कि मेरे रुद्र को कुछ ना हो, वरना उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। हे माता रानी, आज मेरी रुद्र का जन्मदिन है, अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखना। मेरी मना करने के बावजूद वो प्रिशा से मिलने चला गया, बहुत प्यार करता है वो उसे। खैर, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, उसका ध्यान रखना माता रानी, उसे अच्छे से घर वापस लाना, प्रिशा को भी, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना, ख्याल रखना। माँ ये दिया, सब ठीक तो है ना? इसलिए मेरा दिल इतना घबरा रहा था। माँ मेरे रुद्र के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। माँ प्रिशा, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। मेरे रुद्र को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूँ उसका खून बहुत बह गया, बहुत क्रिटिकल हालत में, उसे सिर्फ आप ही बचा सकते हो, प्लीज प्लीज उसे कुछ मत होने देना, उसे कुछ मत होने देना प्लीज। प्रिशा, मैंने तो रुद्र को फोन किया था, तुम वहाँ, तुम रुद्र को कब मिली? कहाँ है रुद्र? सब ठीक है ना? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है वो रुद्र। क्या प्रिशा, क्या हुआ? प्रिशा बोल बच्चे, क्या हुआ? कहाँ है रुद्र? क्या हुआ रुद्र को? रुद्र का एक्सीडेंट हुआ है, वो सीढ़ियों से गिर गया। एक्सीडेंट? कैसा है वो? ज्यादा चोट तो नहीं आई है? किधर है वो? उसका ऑपरेशन हो रहा है, बहुत चोट आई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं क्या करूँ? प्रिशा एक मिनट सुन मेरी बात, बिल्कुल रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उसे, माता रानी है उसके पास, कुछ नहीं होगा। तू मुझे एड्रेस भेज, मैं अभी के अभी वहाँ आ रही हूँ। मैं आपको लोकेशन सेट करती हूँ, जल्दी आओ। हाँ सिस्टर, रुद्र कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है पर उनके लिए ब्लड की जरूरत है। हाँ पता था, उसका ब्लड बहुत बह गया था। उनके ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में नहीं है। क्या
तो आप किसी और हॉस्पिटल से अरेंज कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं फोन करती हूँ, मैं जाकर लेकर आऊंगी। मैम प्लीज, एज हॉस्पिटल हमें जल्दी पता चलेगा, आप बस प्रे कीजिए हमें उनके ग्रुप का ब्लड मिल जाए, वरना उनको बचाना मुश्किल होगा। मैं और हॉस्पिटल से पता करती हूँ कॉल करके। कैसे भी कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? इनके पास भी वो पॉजिटिव ब्लड नहीं है। क्या, ये तो शिमला का आखिरी हॉस्पिटल था ना, कहीं और से नहीं मिल सकता ब्लड? आप क्या करें, रुद्र को तो ब्लड चाहिए कैसे भी, और जल्दी चाहिए वरना उनका बचना मुश्किल है। नहीं, ऐसा मत बोलना, कुछ नहीं होगा उसे, मेरी सास से चल रही है ना, रुद्र को भी जिंदा रहना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बोलिए ऑपरेशन कंटिन्यू रखें, मैं ब्लड लाऊंगी, आप जाइए प्लीज जल्दी। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।